गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं हिंदी। और आज हम हिंदी में क्या करेंगे? आज हम हिंदी में करने वाले हैं वचन बदलो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वचन बहुवचन, हमारा पहला शब्द है तितली। तितली, तितली। जब एक तितली होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? तितली। लेकिन जब बहुत सारी तितली होती हैं एक साथ तो हम उन्हें क्या कहते हैं? तितलियां। तितली। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर ल में बड़ी ई की मात्रा है, तितली। और जब हम तितली का बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो ल में बड़ी ई की मात्रा है ये छोटी ई की हो जाएगी, उल्टी हो जाती है। तितली, 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 तितलियां, तितलियां। अगला शब्द है साड़ी। साड़ी, साड़ी का बहुवचन होता है साड़ी या साड़ीड़। में बड़ी ई की मात्रा है, साड़ी। और जब हम साड़ी का बहुवचन लिखेंगे तो वो ड की मात्रा जो बड़ी ई की है उसमें क्या होगा? वो छोटी ई की हो जाएगी, साड़ी। या मात्रा उल्टी हो जाएगी, साड़ी या साड़ियां। अगला शब्द है खिड़की। खिड़की, अब खिड़की है ये, क में बड़ी ई की मात्रा है, तो जब हम खिड़की का बहुवचन लिखेंगे तो क में जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई की हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है मात्रा उल्टी हो जाती है। तो खिड़की का क्या हो जाएगा? खिड़की या खिड़कियां, खिड़की खिड़कियां, खिड़की खिड़की या खिड़कियां। अगला शब्द है मकान।
मछली, मछली। और मछली का बहुवचन क्या होता है? जब बहुत सारी मछली होती हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? मछलियाँ, मछली। और बहुवचन करते समय ली है जो, वो ली हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मछलियाँ, मछलियाँ। अगला शब्द है चींटी, चींटी, चींटी। ट में भी कैसी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। और जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो ये ट की मात्रा छोटी हो जाएगी। चलिए देखते हैं चींटी का बहुवचन क्या होगा। चींटी या, तो में छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। चींटी या, चींटियां। अगला शब्द है लड़की। क में बड़ी की मात्रा। तो लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़की या, लड़की। में क में कैसी मात्रा थी? बड़ी ई की। और जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो वो क की मात्रा छोटी हो जाएगी। क्या बन जाएगा? लड़कियां, लड़कियां। अगला शब्द है गाड़ी। ड में भी कैसी मात्रा है? बड़ी ई की। गाड़ी। गाड़ी का बहुवचन होगा गाड़ी या। यहां पर भी मात्रा कैसी हो जाएगी? उल्टी। गाड़ी, गाड़ी या, गाड़ियां। सहेली। ल में बड़ी की मात्रा है। सहेली, सहेली। सहेली का बहुवचन क्या होगा? सहेलियां,
सहेली सहेलियां। ल में छोटी की मात्रा ली या सहेलियां। अगला शब्द है रानी। रानी न में बड़ी की मात्रा रानी। रानी का बहुवचन क्या हो जाएगा? रानी का बहुवचन हो जाएगा रानी या रानिया। रानी या नी में न में छोटी की मात्रा नी। रानी या रानी रानिया। अगला शब्द है दवाई। दवाई। अब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर बड़ी ई है, ई है। तो जब हम दवाई का बहुवचन करेंगे तो ये बड़ी ई ये छोटी ई में बदल जाएगा। दवाई। अब चलिए देखते हैं दवाई का बहुवचन। दवाई या दवाइयां। दवाइयां दवाइयां। दवाई दवाइयां। अगला शब्द है मिठाई का बहुवचन होगा मिठाइयां। ई में छोटी ई हो जाएगी, मिठाई लिखा हुआ है तो ई कैसा हो जाएगा? छोटी ई बन जाएगी, बड़ी ई छोटी ई बन जाएगी। मिठाइयां मिठाइयां। अगला शब्द है रजाई। रजाई का उल्टा क्या? रजाई का बहुवचन क्या हो जाएगा? रजाई में बड़ी ई है तो बड़ी ई का उल्टा क्या है यहाँ पर? छोटी ई। तो रजाई, इसका बहुवचन हो गया रजाइयां। जो बड़ी ई है वो क्या बन जाएगी? छोटी ई। तो रजाई रजाइयां।
अगला शब्द है बुराई। बुराई, ई कैसा है? बड़ी ई है। तो बुराई का बहुवचन क्या होगा? बुराइयां। बुराइयां, बुराइयां, बुराई, बुराइयां, बुराइयां। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सारे एकवचन और बहुवचन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आपको इन सभी एकवचनों को बहुवचन में बदलना है और आपको ये लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ऊपर वाली मात्रा ऊपर वाली लाइन में टच करेंगे और नीचे वाली मात्रा नीचे वाली लाइन में टच करेंगे और छत बिल्कुल सीधी होगी। आपका कार्य बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा होना चाहिए, राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।